गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। आई थिंक आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। टुडे आई विल टीच द टॉपिक पोस्चरल डिफॉर्मिटीज एंड देयर करेक्ट मेजर। आज का जो टॉपिक है हमारा पोस्चर के ऊपर डिपेंड करेगा। आज का टॉपिक है जो हमारा पोस्चरल डिफॉर्मिटीज एंड देयर करेक्ट मेजर्स। And their correct measures। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है बॉडी पोस्चर का। जो बॉडी के पोस्चर्स होते हैं, जो बैड पोस्चर हो जाते हैं, उनके करेक्ट मेजर क्या होते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। देखा हुआ, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ पोस्चर डिफॉर्मिटीज लाइक अभी तक जो हम बताते आ रहे थे, लाइक काइफोसिस, लॉर्डोसिस, स्कोलियोसिस, नॉकनीस, बोलेक्स एंड फ्लैट फुट। दिस इज द पोस्चरल डिफॉर्मिटीज। इन ये हमारी पोस्चरल डिफॉर्मिटीज हैं जो ह्यूमन बॉडी में होते हैं। जो विकृति होती है बॉडी की, विकृति या बॉडी का ढंग कैसा होता है, उसे हम बोलते हैं पोस्चरल डिफॉर्मिटी। एंड उनके करेक्ट मेजर्स क्या होते हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे काइफोसिस पे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टॉक काइफोसिस। हम किस पे बात करेंगे, पहले काइफोसिस पे बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द पॉइंट काइफोसिस। इसमें बात करेंगे हम, पहले बात करेंगे काइफोसिस पे। दैट्स मीन सेकंड नेम ऑफ काइफोसिस। इसे हम राउंड शोल्डर भी बोलते हैं। आल्सो नेम इज काइफोसिस। और हम जो सेकंड नेम से जानते हैं वो नेम है उसका राउंड शोल्डर। क्या नाम है उसका? सेकंड नेम ऑफ काइफोसिस राउंड शोल्डर। यानी कि जो हमारे घुमावदार शोल्डर हो जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं काइफोसिस। तो जो हिंदी वर्ड होता है इसका बोलते हैं हम कुबड़ापन। इन हिंदी वर्ड हम बोलते हैं इसको कुबड़ापन। काइफोसिस को क्या बोलते हैं हम? कुबड़ापन। जिसमें हमारे जो शोल्डर्स होते हैं आगे की तरफ फॉरवर्ड हो जाते हैं, बेंड फॉरवर्ड।
दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ थोरैकिक केस. ये हमारी जो प्रॉब्लम है वो किसकी है? थोरैकिक केस की है. दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ थोरैकिक केस. एंड कैपिटल स्पाइन एंड पेल्विकल स्पाइन. ये जो हमारी प्रॉब्लम है वो थोरैकिक केस और क्लेविकल स्पाइन की प्रॉब्लम है. जिसे हम बोलते हैं थोरैकिक केस, दैट्स मीनिंग जो हमारे चेस्ट पिंजर बोलते हैं, जो छाती के पिंजर होते हैं, छाती के पिंजर की प्रॉब्लम होती है. दैट्स मीन इट थोरैकिक केस. एंड कैलिविकल ये हमारी छाती के जो पंजर होते हैं उसकी बीमारी होती है. और जो कैलिविकल स्पाइन होती है, जिसे हम बोलते हैं हसली या रीढ़ की हड्डी, जो हमारी बैक बोन होती है, रीढ़ की हड्डी, ठीक है, रीढ़ की ये प्रॉब्लम किसकी होती है? हमारी थोरैकिक केस एंड कैलिविकल स्पाइन की प्रॉब्लम होती है. इट्स कॉजेज हम एट द बैक ऑफ बॉडी. इट कॉजेज क्या होगा इसका? हम्प एट द बैक ऑफ बॉडी. हम्प एक कुबड़ा की तरह हो जाता है, पीछे की तरफ एक कुबड़ सा निकल जाता है, उसको हम बोलते हैं हम्प जिसे हम बोलते हैं कुबड़. इसका जो कॉजेस होता है, इससे जो बीमारी होती है वो होता है हम्प. एक कुबड़ होता है जो हमारी बैक साइड ऑफ बॉडी पे निकल जाता है, बॉडी के अपर बैक पार्ट पर ये हम्प उभर जाता है, उसे हम बोलते हैं काइफोसिस. उसे क्या बोलते हैं हम? काइफोसिस. And body weight is shifted forward. जब हम आ जाता है बैक पे, हमारी शोल्डर्स के ऊपर जब हम होता है, कुबड़ आ जाता है, तो बॉडी का जो वेट होता है वो शिफ्ट कहाँ हो जाता है? फॉरवर्ड, आगे की तरफ फॉरवर्ड हो जाता है. तब दैट ये सिचुएशन हो जाती है. ये हमारा बॉडी का बैक पार्ट है, ये हमारे शोल्डर है. तब ये हम्प हो जाता है तो हमारा सिर जो है ना आगे की तरफ झुक जाता है, लाइक दैट. मैं एक बार दिखाई दे रहा हूं आपको. देखो, अगर नॉर्मल पोस्चर विद स्पाइन साइड व्यू, ये देखो हमारा नॉर्मल है, ठीक है, काइफोसिस पोस्चर विद स्पाइन साइड व्यू में देखा जाए, ये हमारा बैड पोस्चर है. जो हमारी बैक बोन है वो राउंड हो जाती है, घूम जाती है, और जो हमारा बॉडी का वेट होता है वो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है. बॉडी वेट इज शिफ्टेड फॉरवर्ड. जो हमारा बॉडी का वेट होता है वो शिफ्ट कैसा हो जाता है? फॉरवर्ड हो जाता है. बॉडी का वेट होता है
सिम्पटम, इट्स कॉजेज अनबैलेंस्ड पोजीशन। इससे क्या होता है, अनबैलेंस्ड पोजीशन हो जाती है बॉडी की, बॉडी का बैलेंस नहीं बनता है, अनबैलेंस्ड पोजीशन ऑफ बॉडी। अगर हम रनिंग करते हैं तो हमें आगे गिरने की, आगे ऐसा लगता है कि हम आगे की तरफ फॉल डाउन हो जाएंगे, गिर जाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड काइफोसिस, दिस इज कॉल्ड काइफोसिस। अगर हम खड़े भी होते हैं इन दैट सिचुएशन, कुछ समय तक हम अगर खड़े होते हैं तो हमारे ओवर टोस पर, हमारे पैरों के जो टोस पर प्रेशर आएगा खड़े होने पर, क्योंकि जो हमारे शोल्डर्स होते हैं वो आगे की तरफ झुके हुए, तो बॉडी का वेट क्या होता है, हमारे आगे की तरफ झुका हुआ होता है। जब हम स्टैंडिंग पोजीशन में होते हैं तब हमारे जो टोज होते हैं, फीट टोज, वो हमारे पैंग करना शुरू कर देते हैं। हम ज़्यादा देर तक स्टैंडिंग पोजीशन में नहीं रह सकते हैं, ज़्यादा देर तक हम स्टैंडिंग पोजीशन में नहीं रह सकते हैं। करेक्ट मेजर्स, लाओ सी द करेक्ट मेजर्स। अब हम करेक्ट मेजर्स देखते हैं, करेक्ट मेजर्स ऑफ काइफोसिस। सही जो उपाय होते हैं हमारे, सॉरी हिंदी में बोला, हिंदी वर्ड्स भी बहुत ही जरूरी होता है आप लोगों के लिए, करेक्ट मेजर जिसे हम बोलते हैं सही उपाय क्या होंगे काइफोसिस के। कूबड़ेपन के सही उपाय क्या होते हैं उसको ठीक करने के, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी फिजिकल एक्टिविटी है अकॉर्डिंग उसकी हमें क्या करना होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, बैकवर्ड बेंडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, बैकवर्ड बेंडिंग करेंगे। अब हम आसन पे बात करते हैं, ये तो हमारी फिजिकल एक्टिविटीज हो गई है, आसन भी मान लो, आसन भी आता है हमारा बैकवर्ड बेंडिंग में, बहुत सारे आसन होते हैं, ठीक है। फिर हम करेंगे चक्रासन, ये हमारा बैकवर्ड बेंडिंग का ही चक्रासन होता है। हम क्या करेंगे, चक्रासन, थर्ड है हमारा धनुरासन, थर्ड हम क्या करेंगे, धनुरासन। फोर्थ भुजंगासन, फिफ्थ बैकवर्ड बेंडिंग मैंने बताई थी आपका, फिफ्थ जो होगा हमारा बैकवर्ड बेंडिंग। ये होते हैं हमारे करेक्ट मेजर्स जो होते हैं हमारे काइफोसिस, जो बैड पोस्चर डिफॉर्मिटीज हैं उसको सही करने के जो करेक्ट मेजर्स होते हैं हमारे, सही उपाय होते हैं वो होते हैं हमारे, बैकवर्ड बेंडिंग करना होता है, चक्रासन करना होता है, धनुरासन करना होता है, भुजंगासन करना होता है। इन आसनों के बारे में यूनिट नंबर जो आपकी थर्ड थी योगा एंड लाइफ स्टाइल, वो मैंने आपको पूरी एक्सप्लेन की है विद योगास विद फिगर, ठीक है। अकॉर्डिंग दिस अगर किसी को ये डिफॉर्मिटीज होती है, पोस्चर डिफॉर्मिटीज होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो बैकवर्ड बेंडिंग करें, इजिली मेथड है इसको सही करने का, बैकवर्ड बेंडिंग करे, चक्रासन करे, धनुरासन करे एंड भुजंगासन करे, ये सब बैकवर्ड बेंडिंग पोजीशन के ही आसन है। दिस इज बैकवर्ड बेंडिंग चक्रासन, ठीक है, एंड धनुरासन। नाउ नेक्स्ट जो हमारा आता है
नेक्स्ट जो आती है हमारी राउंड शोल्डर, जिसको अभी मैंने बताया है काइफोसिस लाइक दैट राउंड शोल्डर, लेकिन उसको भी एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी होता है। राउंड शोल्डर राम शोल्डर को हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।